परंपरा में धर्म बसता है और परंपराएं ही धर्म को संभालने का कार्य करती हैं, ये सत्य है। पर क्या केवल परंपरा ही धर्म है? विचार कीजिए। सत्य तो ये है कि जिस प्रकार पाषाण में शिल्प होता है, उसी प्रकार परंपरा में धर्म होता है। इस पत्थर में शिल्प है, ये पत्थर शिल्प नहीं। शिल्प को उजागर करने के लिए उसे तोड़ना पड़ता है, अनावश्यक भागों को दूर करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार परंपराओं में धर्म ढूंढना पड़ता है। जिस प्रकार इंद्र पूजा की परंपरा को तोड़कर गोवर्धन पूजा का धर्म ना ढूंढा जाता तो यादवों को उनकी मुक्ति का मार्ग नहीं मिल पाता। अर्थात परंपरा को पूर्णता छोड़ देने वाला धर्म से वंचित रह जाता है और परंपरा का अंध अनुकरण करने वाला भी धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता। कहते हैं हंस के पास नीर क्षीर विवेक होता है। दूध में मिले पानी को छोड़कर केवल दूध ही ग्रहण करता है। तो क्या सच्चा धर्म प्राप्त करने के लिए हृदय में ज्ञान से जन्मा विवेक आवश्यक है? और ऐसे विवेक के बिना जिसे धर्म मान भी लिया जाए, जो वास्तव में धर्म ना भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है? स्वयं विचार कीजिएगा।